अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 2020 में गरीबों को फ्री राशन देने की योजना शुरू की थी और साथ ही सरकार इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और अब तक फ्री राशन का लाभ खूब ले भी रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों का राशन कार्ड बनाया जाता है और साथ ही सस्ते कीमत पर राशन दिया जाता है। देश भर में राशन कार्ड के तहत भारत सरकार इन दिनों मुफ्त राशन वितरित कर रही है और साथ ही गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है। राज्य सरकारें भी इस नीति को चला रही है तो कई महीनों में एक तो कई दो बार मुफ्त राशन की प्रक्रिया चल रही है, मगर सरकार के इस नीति का गलत फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। दरअसल राशन कार्ड होल्डर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन लेते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आपको बता दें कि अब आपको मुफ्त राशन के साथ में कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड के नए नियम जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब राशन कार्ड की दुकानों पर एक नई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा भी मिलेगा और इस डिवाइस से राशन चोरी की समस्या भी नहीं होगी। बता दें कि सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है, जिससे लोगों को राशन पूरी मिल सकेगी और साथ ही इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से राशन केंद्र पर IPOS मशीन को जरूरी कर दिया गया है और इसके बिना राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में राशन मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने का निर्णय लिया है। साथ ही जानकारी के अनुसार यह संशोधन NFSA के तहत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से साल 2023 में भी फ्री राशन देने का ऐलान किया गया है, जिससे लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।